हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम वॉशिंग मशीन का और वॉश बेसिन का आउटलेट निकालेंगे। तो देख रहे हैं, जैसे कि मैं झर्री काट दिया हूँ, खड्डा खोद दिया हूँ पाइप छिपाने के लिए। मैं 1.5 का पाइप डालूँगा दोस्तों आउटलेट के लिए, कि ताकि बाद में जाके भविष्य में आगे चौकअप ना हो। तो ये होल वगैरह जो भी है हम मार के क्लियर कर लिए, ये देखिए। तो दोस्तों, हम बाथरूम के नानी ड्राफ में इसका आउटलेट डालेंगे। ये देखिए, जहाँ तक बाथरूम का नानी ड्राफ, यहाँ पे ये गोनी डाल के रखा गया है ताकि अंदर मिट्टी कचरा ना जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसे हम निकाल लेते हैं, निकाल के इसे साफ़ कर देंगे अभी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वॉश बेसिन का नल का पॉइंट है। यहाँ पे हमें एंगल कॉक लगाएंगे। और ये देखिए, वॉशिंग मशीन का जो पॉइंट दिया गया है ये ऊपर है, तो इसे में हम वॉशिंग मशीन का नल लगाएंगे। ऊपर बोर्ड दिया गया है लाइट के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पाइप का साइज नाप के टुकड़ा काट के जोड़ के सब मिला लिया है। ये देखिए, टी यहाँ पे मार दिया हो ताकि एक ही लाइन से दोनों का पानी जाएगा आगे। सुलेशन के मदद से दोस्तों, अभी सभी टुकड़े को जो है बारी बारी से हम चिपका लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं सुलेशन लगा रहा हूँ और सुलेशन लगा के सभी टुकड़े को चिपका लेता हूँ। मामा आए कहाँ? कहाँ आए? देखिए दोस्तों, जैसे ये बैंड को देख रहे हैं कि मैं कटिंग किया हूँ, क्योंकि ये बड़ा हो रहा था तो ये टी के अंदर बैठ जाएगा परफेक्ट। तो फटाफट चलिए दोस्तों, चिपका लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आपकी दो टुकड़े में पाइप है। तो दो टुकड़े में पाइप इसलिए है दोस्तों कि जगह कम होने की वजह से पाइप अच्छा जितना अपने को ज़रूरत था उतना नहीं आ रही थी, इसके लिए दो टुकड़े में काट के डाला गया है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चिपका लेते हैं। ये नाइन ड्राफ है दोस्तों, देख रहे हैं, जैसे कि इसे मैं कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में पाइप अपने को रखना है। और इसके ऊपर रखेंगे दोस्तों तो हमारा फ्लोरिंग जो है ज़्यादा ऊपर जा रही है, इसके लिए फ्लोरिंग ज़्यादा ऊपर ना जाए बाथरूम का। तो नाइन ड्राफ को थोड़ा काट लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं काट लिया हूँ, देख लीजिए दोस्तों हमारा पाइप कितना बढ़िया से बैठ गया है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं नाइन ड्राफ के ऊपर 4 का पाइप कटिंग करके उसके अंदर खांचा बना के अच्छे तरीक़ा से लगा दिया हूँ, ताकि माल भर दिया जाएगा तो लीकेज वगैरह नहीं रहेगा वहाँ पे। देखिए दोस्तों, पूरा फाइनली हमारा फिटिंग हो गया है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। एक बात और है दोस्तों, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखें दोस्तों।